नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। दैनिक शुभ टाइम में आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के गरीब जनता, यानी जिनके सरों पर छत नहीं है, जो लैंडलेस हैं, जिनके घर नहीं है, उनके लिए खुशखबरी है। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू कश्मीर सरकार लगातार प्रयास में है कि किस तरह से उन गरीबों को छत मुहैया की जाए। और बुरी खबर क्या है वो भी बताना चाहेंगे कि लगातार एलजी मनोज सिन्हा ये कह रहे थे कि गरीबों के साथ पूरा अन्याय होगा, किसी के साथ भी यानी कि न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा, गरीबों को पूरी तरह से सुविधाएं दी जाएंगी। और पूरी खबर ये भी है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भूमिहीन यानी कि लैंडलेस गरीबों के लिए जमीन उपलब्ध कराने और घर बनाने के सरकार के फैसले की घोषणा करते हुए कहा है कि जल्द ही इस दिशा में एक अधिसूचना यानी कि एक नोटिफिकेशन जारी हो गया। उन्होंने कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है, यानी कि देश के रिसोर्सेज पर अगर बात करें तो सबसे पहला हक देश के गरीब जनता का है। ये घोषणा मंगलवार शाम जम्मू जिले के अखनूर क्षेत्र में गरखाल सीमा ग्राम पंचायत में एक समारोह के संबोधित करते हुए एलजी मनोज सिन्हा ने कहा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सरकार द्वारा भूमिहीन लोगों को, यानी कि जिनके पास जमीनें भी नहीं है, भूमिहीन लैंडलेस लोगों को यानी जनता को भूमि प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं था, यानी आज तक गरीबों को जमीन देने का कोई भी प्रोविजन नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि हमने प्रतिगामी भूमि कानून को हटा दिया है और सरकार अब भूमिहीनों को PMAY योजना के तहत जमीनों के साथ साथ घर की उपलब्धि भी करवाएगी। यानी कि उन्होंने कहा प्रतिगामी भूमि को कानूनों को हटाकर अब उन्होंने ये फैसला किया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब गरीब जनता को जमीनों के साथ साथ उन्हें घर बनाने के लिए भी उन्हें सरमाया यानी कि उनकी मदद करेगी। उपराज्यपाल ने कहा कि केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAY के तहत अतिरिक्त 1,99,550 घर आवंटित किया यानी कि अलॉट किए कर दिए हैं। इनमें से 19,000 से अधिक घर जम्मू जिले के लिए हैं। ये आवंटन यानी ये अलॉटेड सभी के लिए आवास के उद्देश्य को प्राप्त करने में एक लंबा रास्ता तय करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे गांवों का विकास शीघ्र ही देश के विकास की प्रत्येक यानी प्रेरक शक्ति बनेगा। अलजी मनोज सिन्हा ने गरखाल पंचायत के सामाजिक आर्थिक विकास में तेजी लाने के प्रयासों के लिए जिला प्रशासन की भी सराहना की है। उन्होंने कहा कि गरखाल की सीमावर्ती ग्रामीण पंचायत निवासियों की सक्रिय भागीदारी के साथ विकास का एक सुनहरा अध्याय लिख रही है और इसे एक आदर्श गांव में बदल रही है। ग्रामीण और शहरी जम्मू कश्मीर के बीच की खाई को पाटना हमारा दृढ़ संकल्प है। हम बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी ला रहे हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों को मजबूत कर रहे हैं, हमारे युवाओं के लिए अत्याधिक रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने यह भी कहा कि हमारा उद्देश्य यह है कि सुनिश्चित करना है कि गांवों से कोई भी विशेष रूप से सीमावर्ती निवासियों को बुनियादी सुविधाओं, रोजगार और आजीविका की तलाश में उन्हें शहरों का रुख ना करना पड़े। इसीलिए उन्होंने कहा इस तरह की स्वास्थ्य विभाग की बात करें, शिक्षा के केंद्र बात करें या अन्य रोजगार के अवसर बात करें, वो प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है, उन्हें उजागर करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि सीमावर्ती इलाके के लोग यानी अपने काम काज के लिए, आजीविका के लिए वो शहरों का रुख ना करें। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब जो गरीब व्यक्ति है, जो गरीब जनता है, जिनके पास जमीनें नहीं है या जिनके पास घर नहीं है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब जल्दी एक नोटिफिकेशन जारी की जाएगी जिसमें जिन लोगों के पास जमीनें नहीं है उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जमीनों के साथ साथ उन्हें घर बनाने की भी यानी कि उन्हें उस प्रोविजन में लाया जाएगा, उनकी मदद की जाएगी। ये फिलहाल के लिए बड़ी खुशखबरी है। और एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि पहले ऐसा प्रावधान नहीं था पर अब ऐसा प्रावधान है कि उन्होंने कहा कि एलजी मनोज सिन्हा जिन्हें विकास पुरुष के नाम से जाना जा रहा है, और जम्मू कश्मीर की अगर बात करें आज
जम्मू के जो तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है जम्मू में जो सिद्धा के बनने जा रहा, आज उनके कपाट भी खुल गए हैं। और बात करें अगर एम्स की, तो एम्स ही जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा, नॉर्थ इंडिया का पहला इतना बड़ा हॉस्पिटल होगा जिसमें जम्मू कश्मीर बल्कि साथ में लगते हिमाचल जैसे राज्य के लोग भी उस सुविधा से वंचित ना होंगे, यानी उन्हें वो सुविधा मुहैया होगी। और पहला ऐसा नॉर्थ इंडिया का हॉस्पिटल होगा जहां पर एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी होगी। और इसी के चलते आईआईटी की बात करें, अब जो ये मंदिर है, ये भव्य मंदिर जो बनकर तैयार हो गया, आज इसके कपाट खुल गए हैं, यानी अब बालाजी मंदिर के दर्शन आप जम्मू में भी कर सकते हैं। और इस तरह की चीजें जो डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है, और साफ तौर पर उनका ये भी कहना है कि जम्मू कश्मीर की प्रगति को पहले ही कह दिया था एलजी मनोज सिन्हा ने कि कोई भी नहीं रोक सकता, ये पहला कदम होगा जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जो लैंडलेस है या जिनके पास घर नहीं है, उन्हें अब ये प्रोविजन के तहत उन्हें जमीनें भी दी जाएंगी और उन्हें घर भी बनाकर दिए जाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। खुशखबरी है गरीबों के लिए, शायद इससे पहले इस तरह का कोई भी प्रावधान या प्रोविजन नहीं आया होगा कि जिसके लिए किसी भी सरकार ने सोचा होगा कि ग्रामीण गरीब लोगों को कहीं ना कहीं उन्हें छत दी जाए, उन्हें जमीनें दी जाए ताकि वो अपना छत छुपा सके। उसी के चलते जब एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू हुई थी तो वो लोग जो काफी रसूखदार थे, जिन्होंने अपनी कमर्शियल बिल्डिंग्स जा रहे थे, जिन्हें कमर्शियल बिल्डिंग्स के माध्यम से करोड़ों रुपया महीना या सालाना कमाते थे, उसी के चलते जो स्टेट लैंड थी या ये कहेंगे कि चकाचराई लैंड थी या ये कहेंगे कि जिस तरह से यानी कि जमीन सरकारी जमीनों को उन्होंने हड़प्पा था, तो उसी के चलते एलजी मनोज सिन्हा लगातार ये कह रहे थे कि किसी भी गरीब को गरीब मार नहीं होगी। ये बड़े बड़े जो लोग हैं जो ये कहेंगे लैंड माफिया, उनसे जमीनें लेकर ये जनता की वेलफेयर के लिए ही इन्हें उपयोग में लाया जाएगा, चाहे प्लेग्राउंड बनाकर, चाहे स्कूल बनाकर, चाहे अस्पताल बनाकर, चाहे किसी और काम के लिए, जनता के लिए ही या उनके लिए यानी घर बनाकर, यानी उनके ही उपयोग के लिए लाया जाएगा, वो जनता जो गरीब जनता है। फिलहाल जम्मू कश्मीर की गरीब जनता के लिए खुशखबरी है, अब जल्द ही नोटिफिकेशन निकलेगा जिसमें लैंडलेस लोग यानी जिनके पास जमीनें नहीं है या जिनके घर नहीं, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब उन्हें अपने पक्के घर मिलेंगे। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर, अपने कमेंट अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जवाहर।